मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम डैम में दरार पड़ने के बाद पानी निकालकर डैम को खाली करने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया और निर्माण को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने डैम निर्माणाधीन एजेंसी सहित भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही। हम आपको बता दें कि विधायक सचिन यादव अपने कसरावत विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मिलने पहुंचे थे, जहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, उसी कड़ी में कारम डैम निर्माण कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। यह धार जिले का जो कारम डैम है उसको लेकर अभी तक जो है दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड की बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जो संबोधित किया और अपने जो संबोधन में उनने भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात कही कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मेरा कहना है कि आपने जो बात कही 15 अगस्त को उस पर अमल करने का समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी आ गया है और तत्काल जो है आपको जो है जो इस कारम नदी के कारम डैम में जो घोटाला हुआ है, जो गड़बड़ी हुई है और जिसके कारण लाखों लोगों का जो जीवन था वो संकट में आया था, भगवान की दया है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही जो है हमको देखने को मिली, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है आज सामने आया है और ऐसे तमाम लोग जो हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ठेकेदार हो, सब पे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो पब्लिक का जो पैसा 300 करोड़ रुपए से अधिक का जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा भी जो है इन लोगों से वसूल करने का काम करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।